अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आए आज आप मेरे काउंटर पे क्या देख रहे हैं? हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे आज आलू वाले नान। तो उससे पहले जो है हमें बनानी होगी उसकी डो। तो चले आए हम सबसे पहले डो तो ये बनाने का देखिए, हम डो तरीका तैयार सीख करते लें। हैं अपनी। ये मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर 5 कप, और ये अजवाइन लिया है 1 चम्मच, चीनी ली है 1 चम्मच, दही लिया है 3 चम्मच, और ये 1 कप पानी है, इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ये है ईस्ट 1 चम्मच, और ये है मीठा सोडा 1 चम्मच। तो ये सारे हमारे स्पाइस जो हैं हम अपने आटे के अंदर इनको मिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ों को, चीनी को, नमक को, ईस्ट, अजवाइन और नमक, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने जो नीम गर्म पानी हमने लिया है उसके साथ इसको गूंद देंगे। और हमने अपनी डो को नरम गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि ये जितनी अच्छी नरम डो हमारी गूंदी होगी उतनी ही ये सही रहेगी। और अब इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दिया, अब ये हमने नीम गर्म पानी डाल दिया है। तो ये बहुत अच्छे से, दही डालने से ये होगा कि हमारी डो बहुत सॉफ्ट बनेगी और हमारे नान जो है वो बहुत ही नरम और क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने नॉर्मल आटा गूंद देना है। और ये देखें, जब हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई, अब हम इसको रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम नान बनाना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, तो अब हम अपने आलूओं को करते हैं मैश। और ये देखें, हमारे आलू जो अच्छे से मैश हो गए, अब हम इसके अंदर डालेंगे तमाम तर मसाले जो हमने कट करके रखे हैं। ये मैंने प्याज काटा है एक मीडियम साइज़ का, वो हम इसके अंदर डालेंगे, और मीडियम साइज़ का टमाटर ये भी इसके अंदर जाएगा, और हरी मिर्चें काफ़ी सारी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, नमक आपके जायके के मुताबिक, और लाल मिर्चें, और ये भी मैंने ली है वैसे 1.5 चम्मच, और ये है ददड़े मिर्चें, और मैंने लिया है इसके अंदर ये सूखा धनिया और ज़ीरे का मिक्सचर है, ये आपने डालना है इसके अंदर। ये है कढ़ाई मसाला, हमारा सीक्रेट, ये आपने इसके अंदर लाजमी डालना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है नानों से और बहुत जायकेदार बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने स्पाइस को डाल लिया, अब हम इनको डालेंगे इसके अंदर। लास्ट एक चीज़ तो रह गई, इसके अंदर हम डालेंगे धनिया, और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम अपनी डो को करेंगे मिक्स। तो चले अब नान बनाने की स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। चले आ जाए मेरे काउंटर पे। हमने अपने आटे को रेस्ट दे लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा आटा जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा राइस हो चुका है। ये देखिए ये देखें, आटे को हमने इस तरह से सेट कर लिया। अब हम इसके पोर्शन बनाएंगे जितने हमें पेड़े बनाने उस लिहाज से। ये देखें, मैंने अपने हिसाब से इसका पेड़ा हमने आम रोटी से थोड़ा सा बड़ा लेना होता है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ताकि फिर वो थोड़ा नान जो है हमारा मोटा सा बने, प्यारा सा, ठीक है? तो ये आपने इसका सिंपल, हमने इसका पेड़ा बनाना है। ये देखिए, जब आप हमने पेड़े को इस तरह प्रेस करना है, तो हमने इसके किनारों को बस हल्का सा बारीक करना है, सेंटर में से आपने इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जब हम इसमें फिलिंग लगाते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली खुद बारीक हो जाता है। तो हमने इसकी साइडों को थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकि हमने जब नान को फोल्ड करना है तो वो फिर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए। इस तरह से इसको बस हल्का सा अंदर से प्रेस करना है और किनारों की तरफ ले आना है। ये देखें, ये हमने अपनी जो आलू का मसाला है उसको हमने ले लिया, और इसको हम इस तरह रखेंगे सेंटर में, ठीक है? हाथ को आप ज़रा सा अपना खुशका लगा लें, और ये देखें इस तरह से आपने उठाना है, और इस तरीके से, ये अगर आपको ठीक से नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपने, ये देखें इस तरीके से आपने सारे पेड़े को हमने इस तरह से कवर कर लेना है ऐसे। ये देखिए, ये देखें, अब हमारा पेड़ा जो है वो बिल्कुल हो गया तैयार, हमने स्टफिंग इसके अंदर भर लिया। अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और फिर हम इसको आगे करते हैं। ये देखें, आपने इसको हल्का सा हाथ से इसको प्रेस करना है, और बेलन के साथ इसको फिर आपने इस तरह से कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना, क्योंकि इस बार हमें थोड़ा इसको मोटा नान बनाना है, ज़्यादा बारीक, अगर आप बारीक खाते हैं, क्रिस्पी चाहते हैं, तो बेशक आप थोड़ा ज़्यादा बेल लें। ये देखें, ये देखें, अब हम इसके किनारे पे क्यों हाथ रखेंगे, और हम इस तरह से इसके ऊपर ये इसके निशान डाल लेंगे, ठीक है? ये आप किसी भी तरीके से, किसी चीज़ से डालना चाहते हैं वो कर लें, नहीं तो आप इजीली अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ज़्यादा फैंसी बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। चीज़ों को आसान रखा करें, ताकि करने में मुश्किल ना हो। ये देखिए, थोड़े से सुराख हम इसके अंदर खुद करते हैं, ताकि ये हमारा जो नान है वो ज़्यादा फूले ना। हमारा नान हो गया बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है?
अब ये देखिए हमारा नान तैयार हो गया। अब हम इसको, ये जो हमने अंडे और दही का बैटर बनाया है वो हम इसको ब्रश करेंगे। ये मैंने आधा अंडा लिया था, उसके अंदर 3 चम्मच जो है वो मैंने दही के डाले और दोनों को मिक्स करके ये हम इसके ऊपर लगाते हैं। जितना अच्छा कलर इसके साथ आता है ना, और किसी चीज़ के साथ नहीं आता। ये देखिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कलौंजी। ये भी ऑप्शनल है, आपका दिल करता है आपको पसंद है आप डालें, लेकिन ये किसी तरह लुक अच्छी आ जाती है और टेस्ट भी तकरीबन बेहतर ही होता है। हल्का सा धनिया हम इसके ऊपर डालेंगे। चल चलें जी, ये देखें मैंने अपने सीधे हाथ पे इसको उठाना ताकि ये जो हमने बनाई है साइड, ये इसकी ऊपर वाली साइड पे आए। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसको लगाना है पानी। ये देखें अभी नान हमारा हो गया, अब हम इसको रखेंगे पैन पे। ये खाली देश का है, ये गर्म हो रहा था, ये बहुत गर्म हो गया। अब हम इसके ऊपर इस तरह तवे को सीधा रखेंगे, और हमारा तवा पहले भी थोड़ा गर्म था। ये देखें इसको इस तरह से पकते हुए सिर्फ 1 मिनट या 55 सेकंड हुए होंगे। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से। अब हम इसको 1 से 2 मिनट में पका के फिर चेक करते हैं, जैसे हमारा नान रेडी हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी माशाल्लाह हमारा नान हो रहा है, जैसे इस पर कलर आता है तो फिर हम इसको दिखाते हैं। चले जी देखते हैं हमारे नान का भी क्या सूरत हाल है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नान बिल्कुल तैयार है। इतना अच्छा तो तंदूर वाले भी नहीं बनाते। तो अब हम इसको मक्खन लगा सकते हैं, घी लगाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपके पास मक्खन हो, घी हो, जो भी चीज़ हो, आपने इसके साथ इसको ग्रीस कर देना, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा जो है ना वो नान सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इस पर कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखें इस तरीके से। चलें जी ये देखें हमारा नान हो गया बिल्कुल तैयार। तो अब हम आपसे मिलते हैं इसके फाइनल लुक पर। ले जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के नान ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं, बिल्कुल तैयार, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप भी इसको आज ही अपने घरों पे बनाएं, कोई महंगी चीज़ें नहीं है। आप अगर आप मैदे से नहीं खाना चाहते तो आप इसको घर वाले आटे से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये उससे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो चलें अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसे है। चलें जी तो अपने नान को हम लेके जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि हमारा खाना आ जाए और हम अपने नान को करें ट्राई। साजी खाना आ गया जी। जी चले जल्दी से देखें नान हमारा कैसा बना है। अच्छा अगर हो सके तो आप ज़रा मेरे ऑडियंस को इसका कलर दिखाएं, नीचे से भी ज़रा बैक साइड से। सर ये देखें हमारा नान बिल्कुल अच्छे से कलर से कुक हो गया। और ये देखें चले जनाब चेक करूं फिर कैसा बना। जी जी ये रोज़ सारे मज़ेदार खाने जो हैं बस यही खाते हैं। तो मैंने करना होगा जी। जी बिल्कुल आपके लिए तो हम सब कुछ करते हैं। कैसा बना है? चले जी देखें जी नान हमारा हो गया है ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का, और हम लोगों को भी अब लगी हुई है भूख। तो आप लोग बनाएं अपने खर्चे पर और हमें दे दुआएं। तो चले आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।